जहानाबाद में नाइट कर्फ्यू से पहले लोग घर से बाहर निकलने पर संवाददाता फहीम हुसैन ने लोगों से बात की और जाना कि बेवजह घर से क्यों बाहर निकल रहे हैं। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट नेशनल लाइव 24x7 से राजू खान संवाददाता फहीम हुसैन के साथ जहानाबाद। सलाम आदाब नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद फहीम हुसैन, आप देख रहे हैं नेशनल लाइव 24x7। आज हमारी मौजूदगी जहानाबाद मलहचक मोड़ के समीप है और आज जहानाबाद जिला पदाधिकारी के द्वारा सभी दुकानें शिफ्ट बाय शिफ्ट करके खोलने का आदेश दिया गया है और शाम 6 बजे तक ही खोलने का आदेश है और यहाँ पे कुछ ही क्षणों में नाइट कर्फ्यू चालू होने वाला है। और आज हमारी मौजूदगी यहाँ पर आने का मेन उद्देश्य ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेवजह रोड पे घूमते रहते हैं। मैं आज उन लोगों के पास जाऊंगा और उनसे बात करूंगा कि वो किसी काम से रोड पे आए हैं या बेवजह यहाँ पे घूम रहे हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? उमेश कुमार। सर, सभी दुकानें बंद हो चुकी है और कुछ देर में नाइट कर्फ्यू भी चालू होने वाला है, तो ऐसे में क्या ज़रूरत से और क्या काम से आप जा रहे हैं? एक शादी पार्टी में जा रहे हैं, इसी वजह से थोड़ा समय से को देखते हुए और नाइट कर्फ्यू को देखते हुए समय से पहले जा रहे हैं। ये कारण है कि अब हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो बाकी जनता क्या ध्यान देंगे, तो हम लोग कार्यकर्ता लोग हैं तो इसी तरह से हम लोग ध्यान देते हैं कि ताकि समय से पहले नाइट कर्फ्यू ना हो, ताकि लॉकडाउन का उल्लंघन ना हो, इसी वजह से हम लोग समय से पहले किसी पार्टी में जा रहे हैं, शादी पार्टी में, और समय से पहले वापस घर चले जाए। धन्यवाद। सर, आपका नाम क्या हुआ? जितेंद्र कुमार हो रहा है। सर, सभी दुकानें लगभग बंद हो चुकी है और कुछ देर में नाइट कर्फ्यू भी चालू होने वाला है, ऐसे सिचुएशन में क्या ज़रूरत आ पड़ा कि आपको रोड पे आकर कुछ काम से जा रहे हैं या बेवजह ऐसे ही घूम रहे हैं? नहीं सर, हम मास्क लेने आए थे, मार्केट में देखे कि सब बंद है तब घूर के जा रहे हैं। तो आपको पता है ना कि कुछ देर में ही नाइट कर्फ्यू चालू होने वाला है? तो पता है सर, इसलिए तो आधे रास्ते से घूर के जा रहे हैं। और सभी दुकानें जो खोलने का अलावा है वो 6 बजे तक के ही है? जी जी। तो सर प्लीज़ आप स्टे होम सेव लाइफ आप थोड़ा सा फॉलो कीजिए और सरकार का साथ दीजिए आप। जी जी, उसीलिए तो आए थे सर, जा रहे हैं मास्क लेकर चल जाएंगे। धन्यवाद। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सतीश कुमार। सर, सभी दुकानें बंद हो चुकी है और कुछ दिन में नाइट कर्फ्यू भी चालू होने वाला है, तो इस वक्त आपको क्या ऐसा ज़रूरी काम आ पड़ा कि आपको यहाँ पे रोड पे आना पड़ा? अभी सर हम लोग 6 बजे से तो बंद हो चुका है, सब दुकान बंद हो चुकी है, तो हाट पर से सेटिंग हो रहा है पार्क में, बाजार मंडी है ना सर, सब्जी मंडी, मुझे सेटिंग हो रहा पार्क में, चिल्ड्रन पार्क में, इसी के सिलसिले में अभी गया गया था। धन्यवाद। आपका नाम क्या हुआ? मुन्ना रजक। पिता श्री सुखदेव रजक। पिताजी का उम्र 105 बरस। पिताजी मेरे कहते हैं कि हैजा प्लेग उस वक्त आया था समय में, अंग्रेज के टम में और इंदिरा गांधी और गोथी के, उस वक्त मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में कभी बंद नहीं हुआ। आज मोदी जी की सरकार में मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बंद हो गया, देवता देवी को मानना ही गलत है। आज पुराना मंदिर मस्जिद में नहीं है, गुरुद्वारा में भैया। और उसके बाद क्या भाई, हम लोग को संस्कार में कोई सुधार नहीं है, ना ऑक्सीजन है, ना पानी है, ना कुछ है, है? क्या कर सकते हैं हम लोग? तो आपके हिसाब से क्या लगता है, इस बीमारी में नेता लोग का हाथ है? हाँ, नेता लोग का हाथ है और किसी का हाथ नहीं है। आपको इलेक्शन है तो 1 लाख भीड़ जुटा सकते हैं और उसके बाद हम लोग का मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा में पूजा और नमाज नहीं पढ़ सकते हैं क्या भाई? कितना मस्जिद और मंदिर में जाता है, बहुत मुश्किल से तो 100 न 50 आदमी या 200
बोलिए क्या मोदी जी कर रहे हैं, क्या नीतीश जी कर रहे हैं। जब मेरे पिताजी 107 बरस का उम्र है, उनका आधार कार्ड से जो तू कहते थे कि हम लोग अंग्रेज के टाइम में पुलिस में थे, जिस वक्त ऐसा आया था कि गांव के गांव उड़ जाता था, आज क्या है? कुछ नहीं है सर। आपके हिसाब से ये बीमारी वगैरह नहीं है? कुछ नहीं, कोई नहीं, खाली राजनेता लोग का गुंडागर्दी है। धन्यवाद सर। सभी दुकानें बंद हो चुकी है और कुछ क्षणों में नाइट कर्फ्यू भी चालू होने वाला है, ऐसे वक्त पे ऐसे क्या जरूरी काम आ पड़ी कि जो आपको रोड पे आना पड़ा? एक मित्र है हमारे ठाकुरबाड़ी में जी, राजीव कुमार नाम हुआ जी, उनके घर में अकस्मात किसी चीज़ के लिए परेशानी हो गई थी पैसे की जी, तो हम घर पे ही थे जी। तो फोन आया तो हम पैसे निकलते नहीं हैं, व्यवसाय है तो व्यवसाय के पास जाते हैं, अपना काम करके सीधा घर पे जाते हैं। लेकिन उनका फोन आने के बाद उनको किसी कारणवश किन्हीं को क्या इमरजेंसी था, कुछ 5,000 रुपये की, तो हम पैदल पैदल जाकर के उनको देके आए हैं और उनके बगल में ही हैं उनके भाई हैं भी, जब हम साइकिल और फिर उसके बाद में कहीं जा रहे थे इमरजेंसी काम था, उनको पैसा पहुँचा के फिर हम वापस गए। देख रहे हैं कि बहुत सारे जनता जो हैं वो बोल रहे हैं कि लगन के वजह से कुछ आए हुए हैं रोड पे आने जाने के लिए, तो कुछ इमरजेंसी काम से रोड पे आए हैं। कैमरामैन तमन्ना शेख के साथ मैं मोहम्मद फहीम हुसैन, जहानाबाद।